नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तराखंड में प्री मॉनसून की बारिश में ही तबाही का मंजर दिखने लगा है। राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मलबा आने से मालदेवता क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का संपर्क राजधानी देहरादून के साथ कट चुका है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून सचिवालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी से के क्षेत्र में हजारों टन मलबा आने की वजह से टिहरी से लेकर कई गांवों का संपर्क देहरादून से कट चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह भारी मलबा सड़क पर आने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। रास्ता खुलवाने के लिए रेस्क्यू कार्य के दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर ये भी है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी विधायक उमेश शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी बैठकर आपदा बचाव और राहत कार्य करते नजर आए। मालदेवता क्षेत्र में गांव के ठीक ऊपर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण किया जा रहा था, लेकिन मानकों को ताक पर रखकर बिना डंपिंग जोन से सारा मलबा बरसाती नाले में डाला जा रहा था। ज्यादा बरसात होने के बाद ये सारा मलबा मुख्य सड़क पर आ गया, जिसके बाद सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी है और लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है। मालदेवता क्षेत्र में मलबे की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय महिला पुरुषों का कहना है कि बार बार खतरे की जानकारी प्रशासन को दी जाती रही, लेकिन कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ये मलबा यहाँ पे चल पड़ा, क्योंकि जो ये PMJSY की रोड बन रही है इसमें जो ठेकेदार था उसने डंपिंग का कोई हिसाब किताब नहीं रखा इसमें, और वो मलबा पहली बारिश में नीचे आ गया, जिससे ग्रामीणों की जो खेती थी, अदरक की खेती थी, धनिया की खेती थी, वो सारी दब गई। और ये जो मुख्य मार्ग है हमारा, धनोल्टी वाला है, क्यारा है, इससे ऊपर हमारी कम से कम 17-18 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं। वहाँ से जो सब्जियाँ आती हैं, पीछे आप जाओगे तो सारी सब्जियाँ उन गाड़ियों में सड़ रही हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। ये बारिश करीब 2 बजे के करीब शुरू हुई, लेकिन 4 बजे तक बहुत भयंकर बारिश हुई, 2 घंटे की बारिश हुई, लेकिन बहुत नुकसान हो चुका है 2 घंटे की बारिश में भी। हाँ जी, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान। हाँ जी, प्रशासन टीम तो 10-11 बजे पहुँच रही है। हाँ, जो यहाँ के ठेकेदार लोग खड़े होकर काम करवा रहे थे वो नज़दीक के लोग भी नहीं पहुँचे यहाँ पे। देहरादून के मालदेवता में भारी बारिश के बाद सड़क बाधित होने से सबसे ज्यादा गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से राजधानी देहरादून में लाई जाने वाली सब्जी की गाड़ियां पिछले 7 दिनों से ऐसे ही खड़ी हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए पहाड़ों से हरी सब्जी, अदरक, चुकंदर समेत कई ऐसी सब्जियां जो देहरादून की मंडी में रोजाना लाई जाती हैं, उनकी गाड़ियां इसी तरह खड़ी हैं। किसानों को डर है कि अगर ऐसे ही समय बीतता रहा तो उनकी सभी गाड़ियों में ही सब्जियां सड़ जाएंगी और इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है। मालदेवता क्षेत्र में मलबे से सिर्फ सड़क ही बंद नहीं हुई बल्कि लोगों की उपजाऊ भूमि को भी काफी नुकसान हुआ है। गांव की महिलाओं का कहना है कि उनकी अदरक, धनिया और अन्य फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बासमती की पौधे लगाई गई थी जो कि पूरी तरह से मलबे की वजह से खराब हो चुके हैं। हम मालदेवता में मौजूद है, जहाँ पे जो है जो रोड का यहाँ पे जो कार्य यहाँ पे चल रहा था और आज सड़कें जो है वो पूरी यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई हैं, और जो स्थानीय जो लोग हैं उनको यहाँ पे काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, एक महिला हैं, उनसे जानेंगे कितना यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हुआ। मैम, कितने बजे ये पूरा यहाँ पे जो ये अभी हुआ है लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ? ये घटना है सर, लगभग रात को 1 बजे से बारिश स्टार्ट हो रही है और 1 बजे के बाद जब सुबह 4 बजे से मतलब ये मलबा आना स्टार्ट हो गया था, यहाँ आ चुका था 4 बजे, तो क्योंकि हम रात को तो वहाँ देखने नहीं गए, बारिश भी हो रही थी, क्योंकि 4 बजे पूरा मलबा यहाँ आया और घर तक भी आया मलबा, रोड तो पूरा ब्लॉक है और ये खेत है सर हमारे यहाँ पे। प्लीज़ आप दिखाइएगा एक बार ये खेत, कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हम लोग यहाँ पे एक समूह चलाते हैं, वो समूह से हमने बैंक से लोन लिया है, PNB से, PNB मालदेवता से लोन लिया हमने 1 लाख रुपए का, और उससे हमने क्या किया कि यहाँ पे अदरक लगाया। हम हमेशा करते हैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस अपना स्टार्ट रखते हैं हम लोग लोन लेके, फिर जब होता है तो उसको चुका देते हैं। तो वो पूरा जो है ना हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कहीं पता ही नहीं लग रहा कि हमने अदरक लगाया भी होगा। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी मलबा आने से
गांव को हुए नुकसान को लेकर निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। गणेश जोशी ने साफ शब्दों में कहा कि किस सड़क निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ये हुआ है। गणेश जोशी ने कहा कि मैंने प्रशासन के अधिकारियों से साफ कहा है कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुँचाने और आपदा राहत राशि देने के निर्देश की भी जानकारी दी गई है। लेकिन जो यहाँ पर आकर लोगों से जानकारी दी है, तो जानकारी में आया है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से, क्योंकि जेई मौके पर नहीं आता था, अधिकारी मौके पर नहीं आते थे और ठेकेदार मनमाना काम कर रहा था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट गई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उसके खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जिनके घरों में मलबा चला गया है, वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था हमने करवा दी है। और जो सरकार द्वारा अनुमानित मुआवजा है, क्योंकि जो अनुमानित मुआवजा भारत सरकार के नाम से होता है, वो ना के बराबर है जो कि फसलों में दिया जाता है, लेकिन सरकार उनकी और उनकी मदद करेगी, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। वहीं मौके पर पहुंचे विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार को स्थानीय लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और इसके पीछे जो भी अधिकारी सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों के घर में मलबा भरा है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए सरकार सबसे पहले व्यवस्था बनाए। तो सरकार के आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से लापरवाही है। इसमें सबसे पहले डंपिंग जोन बनाना चाहिए, वहाँ जमा करना चाहिए था मलबा वगैरह। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस पैसा कमाने की। आज देखो कितनी परेशानी हो रही है गांव वालों को। तो ये सरकार की ये बिल्कुल अनदेखी है और इन लोगों को कोई चिंता नहीं है गांव वालों की। अभी पहले से कितनी परेशानी है। ये हम लोगों का 2003 का पास कराया हुआ रोड है PMJSY का, 3 ऐसी सड़कें हैं, इतने लापरवाही। अब हमारी सरकार आएगी तो ज़रूर हम लोग सब अपने गाँव वालों का परेशानी दूर करेंगे। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में आपदा की वजह से देहरादून से टिहरी जाने वाली वैकल्पिक सड़क और गांव से देहरादून आने वाले रास्ते पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। हालांकि सड़क खोलने में अभी अच्छा खासा वक्त लग सकता है। राजधानी देहरादून से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एरिया जो है वो रायपुर के माल देवता का एरिया है, जहाँ पे रात 12 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हुई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है रोड कटिंग का यहाँ पे काम चला जा रहा था, उसके बाद ये जो पूरा जो मलबा है वो यहाँ पे सड़कों पे यहाँ पे आ गया है। रात 12 बजे ये मलबा यहाँ सड़कों पे आया है। साफ तौर पे इसमें अगर देखी जाए तो जो बड़े अधिकारी हैं उनकी लापरवाही यहाँ पे है, जो जेई हैं उनकी लापरवाही सामने आई है, जो ठेकेदार हैं उनकी लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो मलबा यहाँ सड़क पे आ गया है, रात 12 बजे की घटना थी और 11 बजे तक यहाँ पे JCB की मशीनें यहाँ पे नहीं पहुँची थी, जो कि स्थानीय लोगों का यहाँ पे कहना है कि 11 बजे के बाद यहाँ पे JCB की मशीन आई। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उमेश शर्मा का, वो यहाँ पे मौजूद हैं, 10:30 बजे करीब वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन 11 बजे करीब यहाँ पे जो है JCB की मशीनें यहाँ पे पहुँची। उसके बाद अगर बात करी जाए तो पूरा एरिया आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबे से यहाँ से भर चुका है। जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। किस तरीके से जो है वो अपने जूते उतार के यहाँ पे जो है पैदल यहाँ पे मलबे से यहाँ पे पैदल चले आ रहे हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को सब्जियाँ यहाँ पे सब्जियाँ बेचने जाना है, तो सभी को अपने कामकाज पे जाना है। जो JCB की मशीनें हैं वो अपना काम यहाँ पे कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से भविष्यवाणी यहाँ पे करी हुई थी कि जो बारिश है वो यहाँ पे 9 तारीख के बाद जो है बारिश यहाँ पे होगी, 9 से 11 के बीच में बारिश यहाँ पे होनी थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात से ये भारी मलबा यहाँ सड़कों पे आ गया है, उससे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे बड़े अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पे देखी गई। दूसरी अगर बात करी जाए, जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये बड़ी लापरवाही जो है वो अधिकारियों की है, अधिकारियों के साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है। उन्होंने खुद यहाँ पे DM को भी कहा है कि उनसे उनकी वार्तालाप यहाँ पर हुई है और सख्त से सख्त यहाँ पे कदम उठाने चाहिए। जो भी बड़े जेई हैं, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके विरुद्ध यहाँ पे जो है कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।